हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मम्मीज ब्लॉग में आपका बहुत स्वागत है। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम ब्रेकफास्ट में दही वाले आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ मैं। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है। तो आप देखिए, ये मैंने आलू 3-4 आलू ले लिए हैं, बॉइल्ड आलू हैं, और इनको मैंने मैश कर दिया है इस तरीके से हाथ से ही मैश कर दिया है। इसकी कटिंग नहीं कर रही हूँ मैं। तो ये तेल मेरा गरम हो गया है, मैंने तेल गरम होने रख दिया है। और हमको सुबह जल्दी होती है तो पहले मैं इसको फ्राई करूँगी आलू को। ये दही वाले आलू बनेंगे फ्रेंड्स, बहुत जल्दी बन जाते हैं सुबह ब्रेकफास्ट में। आप जल्दी से इसे बना के पूरी, पराठे, रोटी, चावल किसी के भी साथ खाइए, बहुत मस्त लगेंगे। अभी मैं इसको फ्राई करके निकालूंगी और फिर मैं मसाले डालूंगी। तो 1 मिनट के लिए बस करूंगी फ्राई। लाइट ब्राउन हल्के से होंगे और मैं इसे निकाल दूंगी। ये लाइट ब्राउन हो गए हैं और अब इसे मैं निकाल देती हूँ। गैस मैंने बंद कर दी है ताकि ये जले नहीं। और इसमें थोड़ा सा और तेल डाल के अभी मैं मसाले डालूंगी। ये तेल गर्म हो गया है हमारा। अब मैं इसमें राई डाल दी मैंने, और ये जीरा भी डाल दिया। गैस जला के थोड़ी सी लो मीडियम कर दी है। और जीरा हो गया, उसके बाद में मैं इसमें ये थोड़ी सी हरी मिर्च डाल रही हूँ और ये लाल मिर्च, ये फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ फ्रेंड्स। ये गैस थोड़ी स्लो कर देते हैं ताकि जले नहीं मसाला। एकदम स्लो कर दी है मैंने। अब इसके अंदर मैं थोड़ी सी ये कसूरी मेथी डाल रही हूँ फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। और थोड़ी सी ये लाल मिर्च, ये सब आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। और ये बहुत जल्दी सब्जी बन जाती है। ये धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, ये सब डाल दिया मैंने। नमक इसमें अभी नहीं डालेंगे, नहीं तो ये फट जाएगी, इसकी ग्रेवी फट जाएगी। बस अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि मसाला हमारा सिक जाए। और हींग, मैं अभी हींग डालूंगी, उस टाइम जल जाती। कभी तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो आप हींग थोड़ा सा बाद में डाल सकते हैं। तो ये मैंने हींग भी डाल दी, थोड़ा सा पानी और डालेंगे और अब गैस तेज कर दी है मैंने। इसमें मैंने नमक नहीं डाला है फ्रेंड्स, आप इसी तरह से मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे, सब्जी मस्त बनेगी। और ये मैं दही डाल रही हूँ, ये फेंटा हुआ दही है, आप देख सकते हैं ये फेंट रखा है मैंने। फिर गैस धीरे कर दी, फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इस तरह से, और ये ग्रेवी बनेगी। इसे हिलाते जाइए ताकि दही फटे नहीं। और ये दही का गोल फिट, इस तरह से सारा दही लेके आप इस तरह से डाल दीजिए। अब एक उबाल आ जाएगा, तब तक हम इसे कढ़ाई को गरम करेंगे। ये आलू फ्राइड हुए थे, मैंने आपके सामने बताया था फ्रेंड्स। तो नमक हम बाद में डालेंगे और ये गरम मसाला,
गरम मसाला मैं अभी डाल रही हूँ, और ये जो आलू फ्राई करे थे वो डाल दिए। नमक अभी नहीं डालेंगे, अभी इसमें उबाल आने देंगे। दो मिनट बाद फिर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, उबाल आ गया है, ढक्कन हटा लेते हैं। ढक्कन आप कोई भी लगा सकते हैं, मेरे पास कांच वाला ढक्कन था तो मैंने वो लगाया। नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है सब्जी। अब इसमें मैं सारे आलू मैश किए हुए, बहुत अच्छे लगेंगे, पराठे पूरी किसी के भी साथ खाइए। अब इसे गैस बंद कर देती हूँ और इसमें थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं, थोड़ा सा मैं गार्निशिंग के टाइम डालूँगी, और अभी मैं पराठे बनाऊँगी। फ्रेंड्स, तो आपको दिखाऊँगी। नमक मैंने पहले नहीं डाला था फ्रेंड्स, तो अब मैं नमक डाल देती हूँ। नमक के साथ एक मिनट और बॉईल होगा, सब्जी एक मिनट और होगी, और फिर गैस बंद कर देंगे। देखिए कितनी मस्त सब्जी बनी है। अभी मैं पराठे बना के आपको दिखाऊंगी। ये मैं एक लोई ले ली है, नॉर्मल आटा है फ्रेंड्स, नॉर्मल आटा गूंदा है मैंने, और ये मैं पराठा बना रही हूँ, आप देख सकते हैं। इसके अंदर मैं थोड़ा मॉइन लगा रही हूँ। तवा तेल हमारा गर्म हो गया, तवा सॉरी, मुझे दो तीन मिनट बाद मैं इसको पलट दूंगी। ये देखिए मैंने पलट दिया है, पराठा सिक गया एक तरफ से, अब मैं दूसरी तरफ से सेक रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दही वाले आलू की सब्जी कितनी अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। ये दही वाले आलू और मैं ये धनिया की चटनी है, इसे मैंने दही के साथ ही धनिए को ग्राइंडर में ग्राइंड करके बनाया है। तो धनिए की चटनी और ये दही वाले आलू के साथ ये सुबह का नाश्ता मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, और एक फ्रेंड्स एक बात और है, आप सबको, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो आप सबको शेयर कीजिए, आप सबको बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आप कमेंट भी करके बताएंगे ना तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आप ट्राई तो करिए ये सुबह का नाश्ता, या कभी भी आप नाश्ते में और लंच डिनर में भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। दही वाले आलू की सब्जी अभी जो बताई थी मैंने बना के, तो आप बताएंगे कैसी लगी कमेंट करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, बाय फ्रेंड्स, बाय। अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ फ्रेंड्स, बाय।